17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्र का महत्व हर कोई जानता है, हर कोई समझता भी है, क्योंकि ये 9 रातों का त्यौहार होता है। हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार इस त्यौहार को मनाता है और उपवास रखता है। इस उपवास में लोग फल, आलू आदि चीज़ों का सेवन करते हैं, लेकिन इन सब में लोग सेंधा नमक का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? आइए जानते हैं कि क्यों उपवास के समय सेंधा नमक खाया जाता है और ये कैसे आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ, जब लोग उपवास रखते हैं तो उस समय खाने पीने की कुछ ही चीज़ों को खा पाते हैं, तो ऐसे में सेहत पर असर पड़ता है, जिसके लिए लोग उपवास में सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम और पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जी हाँ, उपवास के समय लोग जल्दी थक जाते हैं, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की परेशानी रहती है उनके लिए ये नमक बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसे खाने से शरीर की थकान दूर होती है और बॉडी रिलैक्स रहती है। जी हाँ, इसके साथ ही सेंधा नमक शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करता है। आपको बता दें कि सेंधा नमक को लोग अक्सर उपवास के समय ही खाते हैं, जिसे लोग लाहेरी के नाम से भी जानते हैं। सेंधा नमक शरीर से पित्त दोष, कफ की समस्या और वात की परेशानी को दूर करने में मदद करता है। इस नमक को उपवास के अलावा लोगों को अपनी रोज़ाना में भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में जमा फैट सेल्स ख़त्म होते हैं। साथ ही अगर किसी को उल्टी की समस्या हो रही है तो वह सेंधा नमक को नींबू के साथ खा सकता है। ऐसा करने से उसे जल्द ही उल्टी की समस्या से राहत मिल जाती है। बच्चों को अक्सर पेट में दर्द की समस्या देखने को मिलती है, जिसकी बड़ी वजह पेट में कीड़े की होती है। जी हाँ, ऐसे में आप बच्चों को खाने में सेंधा नमक डाल कर दें, इससे पेट में कीड़ों की समस्या जल्द ख़त्म हो जाएगी। आज के समय में लोगों में आँखों की समस्या आम बात हो गई है, क्योंकि वह देर समय तक कंप्यूटर पर काम करते हैं और उनका खान पान भी ख़राब होता जा रहा है, जिसका सीधा असर आँखों पर पड़ता है। लेकिन सेंधा नमक आपकी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। जिन लोगों को आँखों की समस्या रहती है और उनकी आँखों की रोशनी कम हो रही है, तो वो लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंधा नमक कई तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो अगर आप भी रख रहे हैं इस बार नवरात्र के 9 दिन का उपवास, तो आप अपने खाने के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल ज़रूर रखें। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। क्यूरेन ही आयुर्वेदा से सुरभि की रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest updates.